किससे इंस्पायर्ड है डॉन 3 की कहानी। हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी डॉन के थर्ड पार्ट का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल शाहरुख खान रेस्ट पर हैं और सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब उनका ये ब्रेक खत्म होगा और वो शुरू करेंगे डॉन 3 की शूटिंग। हालांकि खबरें आई हैं कि शाहरुख खान जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच ये जरूर बताया जा सकता है कि आखिर डॉन 3 की कहानी किससे इंस्पायर है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं, काफी सारे शोज बन चुके हैं, वेब सीरीज बन चुकी हैं, तो ऐसे में नया कंटेंट कहां से आए। काफी सारे डॉन ऐसे रहे हैं जिनसे दुनिया भर के लोग डरते थे, और कितनी ही फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें हमें इन गुंडों की जिंदगी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े डॉन पाब्लो एस्कोबार की, तो उसके ऊपर भी काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं। नेटफ्लिक्स खुद एक सीरीज बना चुका है जिसका नाम नार्कोस है। और ऐसे ही इंडिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं। काफी फिल्मों में उसका जिक्र आता है, काफी फिल्मों में उसके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और ऐसा ही एक शख्स है जिसकी कहानी से प्रभावित होकर अब डॉन 3 बनाई जा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि इंडिया का सेकेंड मोस्ट वॉन्टेड इंसान अबू सलीम है। अबू सलीम का परिवार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सरायमीर का है। उनके पिता अब्दुल कयूम अंसारी पेशे से एक वकील थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थी। उनकी मौत के बाद परिवार को बेहद गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में उनकी मां ने छोटा मोटा काम कर परिवार को पाला। अब्दुल कयूम अंसारी सरायमीर से नजदीकी शहरों की कोर्ट में मुकदमों के लिए जाया करते थे। एक बार वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल में जाते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अबू सलीम को उनके चचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होने के बाद अबू सलीम काम की तलाश में दिल्ली आ गया, जहां कुछ वक्त तक उसने बाइक रिपेयरिंग का काम किया। लेकिन वहां कुछ बात नहीं बनी तो वो 20-22 साल की उम्र में बम्बई आ गया। 1990 के दौर में बम्बई के जोगेश्वरी में आराशा शॉपिंग सेंटर, जो कि एक छोटा सा मॉल था, वहाँ एक दुकान थी। वहाँ स्टॉल पर बैठकर अबू सलीम फैशन का सामान, बेल्ट और इस तरह की अन्य चीजें बेचता था। 1980 से लेकर 1990 का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कईयों के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वो उनकी तरह बनना चाहता था। मॉल में भी उस तरह के लोग आते थे जो कि अपनी भाईगिरी दिखाते, और अबू सलीम उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता था। 22-23 की उम्र के अबू सलीम की आंखों में भी सपने पलने लगे कि वो भी भाईगिरी करे और लोग उससे खौफजदा हो। ये 1989 और 90 के दौर की बात है। उस वक्त अगर कोई खुलेआम जाकर ये कह देता कि वो दाऊद का आदमी है, तो उसे कोई बुरी बात नहीं माना जाता था। लोगों में इस नाम का डर था। ये बात और है कि आज कोई ये बात खुलकर नहीं कहता है। दिन के वक्त अबू सलीम स्टॉल पर बैठता और फिर रात को इन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते आवारागर्दी करता। ये काम करते करते वो दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के सोने की स्मगलिंग का काम करने लगा। वो डिलीवरी के लिए कभी कभी सलीम को उनके कुछ लड़कों के साथ बुला लिया करता था। इस तरह सोने की स्मगलिंग के बारे में अबू सलीम की काफी कुछ समझ बन गई। अनीस फोन पर अबू सलीम को कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस देता रहता था। हालांकि वो सीधा दाऊद के संपर्क में नहीं था, लेकिन वो अपने आप को बड़ी चीज समझने लगा था। इस दौरान बॉलीवुड से उसके कोई संबंध तो नहीं थे, लेकिन अबू सलीम ने निर्मोही नाम से एक फिल्म बनाने की कोशिश जरूर की थी। उसने इसके लिए कुछ 11 गाने रिकॉर्ड भी किए थे और खुद इसमें हीरो बनने जा रहा था। लेकिन ये फिल्म चली नहीं और आधा 1 घंटे की शूटिंग के बाद ही ये फिल्म छोड़ दी गई। इसके बाद उसे समीरा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने भागकर शादी कर ली। समीरा नाबालिग थी तो उसके घर वालों ने अबू सलीम पर केस कर दिया, लेकिन समीरा की वजह से सलीम इस केस से बच गया और दोनों साथ रहने लग गए। 1993 में फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने अनीस को फोन किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गन चाहिए। अनीस ने अबू सलीम को फोन करके कहा जाके संजू को मशीन दिया। जिंदगी में पहली बार अबू सलीम की मुलाकात किसी फिल्म स्टार से हुई थी। बम्बई धमाकों के बाद जो बयान दर्ज किए गए थे, उनमें अबू सलीम ने माना था कि वो अपने सामने किसी फिल्म स्टार को देखकर बहुत चक्का रह गया था और उसने कम से कम 3 बार संजय दत्त को गले लगाया। हालांकि बाद में संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें ज्यादा गन नहीं चाहिए और उनके पास 1 गन ही काफी है, जिस वजह से
सलीम को गन वापस लेकर जानी पड़ी। मीडिया ने उसे डॉन कहा, लेकिन उसके विरोध में कोई बड़े मामले नहीं थे। गन पहुंचाना ही उसका सबसे बड़ा अपराध था। लेकिन जब वो दुबई पहुंच गया और अनीस के तहत काम करते हुए लोगों को फोन पर धमकियां देने लगा, तो वो लोगों को डॉन लगने लगा। इसके बाद अबू सलीम ने फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या करवा दी, जिसके बाद वो कुख्यात हो गया। इसके बाद उसने मोनिका बेदी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। जबरन वसूली के कुछ मामलों में भी उसे कामयाबी मिली और उसे कुछ पैसा मिल गया। लेकिन फिर 1989 के आसपास कुछ गड़बड़ होने के कारण असब सलीम गैंग छोड़कर भागा और यूरोप और अमेरिका में कुछ काम करने लगा। 9/11 के दौरान भी अबू सलीम अमेरिका में, उसका एक पेट्रोल पंप था और एक छोटा सा थिएटर और कुछ संपत्ति थी जहां समीरा आज भी रहती है। नॉर्वे में मोनिका बेदी के माता पिता रहते थे। इन वजहों से ही सलीम यूरोप में ही घूमने फिरने लगा। वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां लोग हिंदी ना जानते हों, ज्यादा भारतीय ना हो और जहां वो छुप सके। लिस्बन उसे महफूज जगह लगी और वह वहां बसना चाहता था, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच एक सहमति बनी थी कि वो एक दूसरे को अपने यहाँ छुपे हुए अपराधियों के बारे में बताएंगे। जब अबू सलीम ने दुनिया भर में पैसों के लेन देन करना शुरू किया, तो वो फेडरल जांच एजेंसी यानी कि FBI की नजर में आ गया। FBI से मिले सूचना के आधार पर भारत ने लिस्बन में 2002 में अबू सलीम को पकड़ लिया। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही टाडा अदालत ने जून 2017 को अहम फैसला सुनाया और अबू सलीम के साथ साथ 6 अभिव्यक्ति को दोषी करार दिया। अबू सलीम पहले से ही जेल में 12 से 13 साल काट चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के नंबर 2 डॉन यानी कि अबू सलीम की, जिस कहानी से प्रभावित होकर शाहरुख खान ला रहे हैं अपनी फिल्म डॉन 3। दोस्तों, डॉन 3 से जुड़ी दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।